आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टॉट एक्ट। ओपन करो सब, टॉट ऑफ लॉ या लॉ ऑफ टॉट जो भी है तुम्हारे बुक में। लॉ ऑफ टॉट पढ़ा है? चलो अच्छी बात है, अब तुम लोग मुझे आंसर्स करना, ठीक है? अभी तक बच्चों कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं, चलो नाम लो। एक हो गया लिमिटेशन एक्ट, एविडेंस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और राइट टू इंफॉर्मेशन भी एक एक्ट है। तो बच्चों टॉट एक्ट कोई सुना है क्या? टॉट एक्ट कौन सी ईयर में आया ये एक्ट? और टॉट क्या एक एक्ट है? कहीं पे नीचे इंट्रोडक्शन के नीचे एक्ट भी दिया है कि ये एक्ट 1963 में आया है? हाँ, कहाँ लिखा है 1963? लिमिटेशन एक्ट लिखा है, टॉट एक्ट लिखा है क्या 1963? तो क्या होता है टॉट, तुम लोगों ने पढ़ा है ना, ये एक लॉ है। तो हम ऐसे लॉ कैसे पढ़ ले यार, हम अभी तक तो एक्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, एक्ट्स में सारे सेक्शंस हैं। तो टॉट क्या है, टॉट ऑफ लॉ, सॉरी, ये जो लॉ ऑफ टॉट है या टॉट लॉ है वो क्या है? वो तो ठीक है, छोटे छोटे सिविल रॉन्ग्स के लिए हमने एक लॉ क्रिएट किया है, ठीक है। तो क्या हमें इसमें रेमेडी मिलेगी? तो इसमें तो कोई सेक्शन ही नहीं है। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं लॉ ऑफ टॉट में जाके एक्शन लूंगी, तो कोर्ट में कौन सा सेक्शन प्रूफ करूंगी? यस, जो ये हमारा टॉट लॉ है ना, ये बाहर इंटरनेशनली कुछ कोर्ट्स ने डिसीजंस दिए हुए कुछ मैटर्स में, उनके हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए अपने हिसाब से और उनको हमने अपने इंडिया में अप्लाई किया है, ठीक है। तो हमारे जो पास जजमेंट्स हम बोल सकते हैं, जो वहां पे बोलते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, उन लोगों ने जो दिए हैं, जो बाहर के जजेस हैं उन लोगों ने जो जजमेंट्स दिए हैं, वो जजमेंट्स को, वो वाले एक्शंस को हमारे इंडिया में अगर होता है तो हम ये लॉ को यूज करते। तो हम बेसिकली इस पूरे एक्ट में कुछ पास लीडिंग केसेस देखेंगे, जो जजमेंट्स आए हैं उनको देखेंगे कि हमें कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या हो रहा है, एक लड़की एक लड़के को मार रही है, बहुत जोर से मार रही है, बैटरी है मतलब, ओके, और इसमें क्या हो रहा है? स्नेहा ये डोर लॉक कर दो ऊपर से, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, एक लड़की एक अपनी फ्रेंड को या सिस्टर को कुछ जोर से फेंक के मार रही है, नहीं होएगा, ठीक है, हाँ तुम लोग मना कर देना। चलो ये एक्चुअल में टॉट हो रहा है, ठीक है। क्या सब कुछ जो तुम लोगों ने बोला सिविल रॉन्ग को टॉट बोलते, तो क्या सारे सिविल रॉन्ग टॉट होते हैं? तो कौन से रॉन्ग्स को टॉट बोलते हैं हम? तुम लोगों को पता है टॉट क्या होता है, तो क्या होता है, काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग? और ये टॉट है क्या, ये लड़की जो मार रही है उसको, और ये क्यों, ये तो बस ऐसे ही मार रही है, तो इंटेंशनली मारना टॉट नहीं है, अनइंटेंशनली मारना टॉट है। अच्छा,
चलो पहले हम समझते हैं कि ये आखिर टॉट क्या है, ठीक है, एक क्लैरिटी ले आते हैं कि अगर वो हमसे पूछते हैं तो आखिर टॉट होता क्या है, और वो तो किसी और ने डिफाइन किया हुआ है अनलिक्विड डैमेजेस का। चलो देखो टॉट वर्ड पहले देखते हैं, आखिर ये वर्ड क्या है, क्या हम रेगुलरली टॉट वर्ड यूज करते हैं क्या? नहीं करते। ये एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि टॉटम है। लैटिन वर्ड क्या है? टॉटम, जिसका मतलब है टू ट्विस्ट। लेकिन टॉट वर्ड क्या है? टॉट एक फ्रेंच वर्ड है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रॉन्गफुल कंडक्ट और रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, हमने अभी समझा कि लॉ ऑफ टॉट कुछ पास जजमेंट से आया है, ये पूरा एक लॉ है, इसमें कोई एक्ट और सेक्शंस की बात नहीं हो रही है, इसमें पास जजमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। अब हम बेसिकली पहले देख रहे हैं कि आखिर ये टॉट वर्ड का मतलब क्या है। तो टॉट एक लैटिन वर्ड से आया है जो वर्ड है टॉट टर्म, जिसका मीनिंग होता है टू ट्विस्ट। बाहर उन लोग टॉटम वर्ड यूज करते थे, हमने एक फ्रेंच वर्ड उठाया जिसको हमने बोला है टॉट, जिसका मतलब है रॉन्गफुल कंडक्ट और रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल कंडक्ट और रॉन्गफुल एक्ट यानी कुछ भी गलत करना। जो मैं वीडियोस दिखा रही थी या जीआईएफ दिखा रही थी, वो क्या कर रहे थे? वो उसके साथ गलत कर रहे थे, वो उसको इतने बड़े स्टिक से मार रही थी या वो उसको बैग से मार रही थी, तो वो एक टॉट हो रहा था। ठीक है, जिनका कहीं पे भी कोई भी लीगल एक्शन मेंशन नहीं है, वो हमने टॉट में कुछ कुछ ऐसे मैटर्स भी डाले हुए हैं कि आप इसके अंदर अपने लीगल एक्शन पुट अप कर सकते हो। अब जैसे तुम लोगों ने मुझे बताया टॉट एक सिविल रॉन्ग है, तो बच्चों क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है? पब्लिक को हार्मफुल हो, राइट? तो फिर सिविल रॉन्ग क्या हुआ? सिविल क्या सीरियस नहीं होता है क्या? उतना ज्यादा सीरियस नहीं होता है। तो सिविल रॉन्ग में क्या कवर हो गया? एक इंडिविजुअल को हार्म हो, जैसे यहां पब्लिक हार्मफुल लिखा है, यहां पे लिखा है, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूं, जैसे कि मैंने और नुपुर ने, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अलाउड नहीं है, 9:46 हो गया है। चलो मैंने और नुपुर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? एक कार खरीदने का, ठीक है, एक कार मैंने नुपुर को देनी है और नुपुर ने इसके बदले मुझे पेमेंट्स करनी है, ठीक है। कार मैंने दे दी, पेमेंट उसने कर दी, उसने सपोज 50 लाख की पेमेंट करी है। अब कार जो है मैंने डिफेक्टिव दी है, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है, कार का म्यूजिक सिस्टम नहीं चलता, कार का वाइपर नहीं चलता, ठीक है। तो अब ये एक सिविल रॉन्ग कहलाएगा, क्योंकि ये मुझे क्या बोलेगी? मेरे पैसे वापस दे दो या कार बनवा के दे दो, ठीक है, या मुझे पैसे एक्स्ट्रा दे दो तो मैं खुद बनवा लेती हूँ। कहीं ना कहीं वो क्या मांग रही है मुझसे? कॉम्पनसेट, जो भी उसको लॉस हुआ है उसके बदले का वो क्या मांग रही है? कॉम्पनसेशन, ठीक है। अब क्या इससे तुमको कोई अफेक्ट पड़ा है कि उसकी कार नहीं चल रही, तुमको कुछ दिक्कत है उससे? इससे सिर्फ उसको दिक्कत होगी, ज्यादा से ज्यादा उसकी फैमिली मेंबर्स को, कि हमने एक कार परचेज की 50 लाख की जो कि डिफेक्टिव है, जो कि नहीं चलती, जिसके वाइपर्स नहीं चलते, जिसके म्यूजिक सिस्टम नहीं चलता। इससे सिर्फ और सिर्फ वो एक इंडिविजुअल अफेक्टेड है, ठीक है। अब अगर एक सोसाइटी में एक आदमी ने लिफ्ट में एक पर्सन का मर्डर कर दिया, ठीक है, वो यहां लेटा हुआ है लिफ्ट के बाहर आधी बॉडी, अब ये जो पर्सन है वो इसी सोसाइटी में थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, क्या लोग लिफ्ट से जाने से अब डरेंगे? पूरी सोसाइटी में कोई लिफ्ट यूज करेगा? नहीं करेगा। क्या लोग थर्ड फ्लोर में जाने से भी डरेंगे? क्योंकि एक ऐसा पर्सन है वहां जो जिसका दिमागी संतुलन खराब है, वो लिफ्ट में लोगों को मार देता है, और ऐसा मार रहा है कि वो फिर बच भी नहीं पा रहे, ठीक है। तो इसके ऐसे काम करने से पूरी पब्लिक, पूरी सोसाइटी अफेक्टेड है। इनफैक्ट बाहर से भी लोग आने में डरेंगे, अरे सोसाइटी में तो मर्डर होते हैं,
आई गेस रात में तो कोई एंटर भी नहीं करेगा उस सोसाइटी में, कोई गार्ड भी शायद ही मिलेगा कि क्या पता उसका भी मर्डर हो जाए। तो ये जब सोसाइटी अफेक्ट होती है तो इसको हम बोलते हैं क्रिमिनल रॉन्ग। ठीक है, इंटायर सोसाइटी कहीं ना कहीं इस चीज से अफेक्टेड है। न्यूज चैनल्स में आने लगेगा तो आसपास एरियाज ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो पूरी सोसाइटी को, आसपास के एरियाज को, सबको अफेक्ट करेगी। ये एक सिविल रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक इंडिविजुअल ही अफेक्टेड है, कोई और इस चीज से अफेक्टेड नहीं है। तो जो हमारा टॉट होता है ना बच्चों, वो एक सिविल रॉन्ग होता है, लेकिन सारे सिविल रॉन्ग्स टॉट नहीं होते हैं। कुछ ही सिविल रॉन्ग्स हैं जो टॉट होते हैं, क्योंकि आपको हर अलग अलग एक्ट में भी रेमेडी दी है। जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, अब ये सबसे पहले कौन सा एक्ट चूज करेगी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि मेरे साथ वॉइड हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ। तो इसके पास एक ऑलरेडी एक एक्ट है। अगर इसके पास इस चीज की कोई रेमेडी किसी एक्ट में नहीं होती तो ये क्या यूज कर सकती है? टॉट यूज कर सकती है। हम कहते हैं कि टॉट में सिविल रॉन्ग होता है, सिविल रॉन्ग में यानी किसी को कोई नुकसान या उसका कोई लीगल राइट अफेक्ट हो। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में उसका एक लीगल राइट था कि उसको एक प्रॉपर चलती फिरती सही साठ कार मिलनी चाहिए थी, पर उसको नहीं मिली, वो इसका एक लीगल राइट है, वो अफेक्ट हुआ है, तो वो टॉट के अगेंस्ट भी, टॉट में भी मेरे अगेंस्ट आ सकती है। ठीक है, तो बच्चों जब हम टॉट देख रहे हैं तो टॉट एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? रॉन्गफुल कंडक्ट और रॉन्गफुल एक्ट। उसके बाद हमने देखा टॉट एक सिविल रॉन्ग होना चाहिए जिसमें किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो। ठीक है, अब इसमें ना कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, जो कि एक लिमिटेशन एक्ट की डेफिनेशन है, एक सैलमन ने डेफिनेशन दी है, एक विनफील्ड ने दी है और एक फ्रेजर ने दी है। तो तुम्हें ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है। लिमिटेशन एक्ट 1963, सबको याद है लिमिटेशन एक्ट में क्या पढ़ा था, ये कौन सा एक्ट है? तुम लोगों को नहीं पता होगा, पता है? डज दिस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, जो बेसिकली हमको बताता है कि कब आप कोर्ट आ सकते हो। ठीक है, मतलब कितना टाइम है, कितनी लिमिट है आपके पास कोर्ट में आने की। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपके पास, जैसे कि मैं बोलूं आपको एक सूट फाइल करना है, ठीक है, विथ रिगार्ड कोई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यही एग्जाम्पल ले लो, लुपुर के अगेंस्ट मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट, लुपुर के साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ब्रीच कर दिया, तो उसके पास कितना टाइम है कोर्ट में जाने के लिए? ये लिमिटेशन एक्ट बताता है। लिमिटेशन एक्ट में लिखा है 3 साल है, 3 साल में आप कोर्ट आ जाओ। ठीक है, मतलब कि 1 साल नहीं आए, 2 साल नहीं आए, 3 साल है, 3 साल के बाद आओगे तो हम आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेंगे। मतलब जज तुरंत की तुरंत वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा कि आप लिमिटेशन एक्ट के बाहर हो, आप लिमिटेशन पीरियड के बाहर हो, आपको 3 साल में आना था, 3 साल बहुत होते हैं, अब आप आ रहे हो। उसमें हमने बहुत सारी ऐसी कंडीशन पढ़ी कि ऐसे उन्होंने क्यों बताया है कि इसके लिए 3 साल है, इसके लिए 6 महीने। जैसे हम अपील देखते, लिखा था अभी कि 30 दिन में अपील करनी है, जब हम राइट टू इन्फॉर्मेशन देख रहे थे, तो 30 डेज के बाद जाओगे तो उसमें लिखा था सफिशियंट कॉज होगा तो ही लेंगे, वरना हम नहीं लेंगे। तो सफिशियंट कॉज भी कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ लिमिटेशन एक्ट में डिस्क्राइब किया, मतलब 30 दिन के बाद एप्लीकेशन लेके आओगे कि सर इसने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम आपकी एप्लीकेशन नहीं लेंगे। 90 डेज में अगर अपील करने आओगे कमिश्नर्स के पास तो वो आपकी एप्लीकेशन नहीं लेंगे। ये हमने कहां पढ़ा है? लिमिटेशन एक्ट में। ठीक है, अब लिमिटेशन एक्ट में टॉट को डिफाइन क्या क्या है? लिमिटेशन एक्ट में टॉट को बोलते हैं कि एक वो क्या है, सिविल रॉन्ग है, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और भी बहुत कुछ है जिसको हम बोल रहे हैं सिविल रॉन्ग। ठीक है, ये सिविल रॉन्ग हमें कुछ ना कुछ केसेस के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी हम वो सारे केसेस टाइम टू टाइम देखेंगे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि लिमिटेशन एक्ट में उन्होंने क्या बोला है कि टॉट क्या है, सिविल रॉन्ग है, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये उन्होंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अलग एक एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट भी अलग से
है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को ही टॉर्ट नहीं बोलेंगे, इसमें हम और भी चीजें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब हमने तीन लोगों ने देखा था जिसने इन लोगों को डिफाइन किया है, कौन कौन है, सैलमन और फ्रेजर। ठीक है, तो सैलमन ने क्या एक्सप्लेन किया है, इट इज अ सिविल लॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यानी कितना मिलेगा, देखो इसमें लिखा है सबसे पहले क्या बोल रहे, टॉट क्या है, वापस सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी इन कॉमन लॉ ऑफ एक्शन इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। बच्चों रेमेडी यानी सोल्यूशन, जिसका आपको सुझाव या जो भी आपको उसके बदले में आपका आपके लिए आपको कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। ठीक है, तो उसकी रेमेडी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, तो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ डैमेजेस, वन विल बी लिक्विडेटेड और अनदर विल बी अनलिक्विडेटेड। अब जो मेरा नुपुर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन थी, हो सकता है उसमें लिखा हो एक टर्म कि अगर कार खराब निकली या अगर कार एक महीने तक ढंग से नहीं चली तो तुम मुझे 40,000 रुपीज पे करोगे। ठीक है, अगर कार एक महीने तक सही से नहीं चली तो 40,000 रुपीज मुझे उसे पे करना पड़ेगा, ये अमाउंट मेंशन्ड है उस कॉन्ट्रैक्ट में। ऐसे और भी चीजों के लिए हो सकता है उसने कॉम्पनसेशन मेंशन किया हो। ठीक है, कि अगर टायर एक दिन में पंचर हो गया तो इतने पैसे या फिर तुम्हें बनवा के देना पड़ेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में हम मेंशन करते हैं कि अगर तुमने ब्रीच किया है तो उसके बदले में मुझे इतने पैसे चाहिए या ये वाला काम हो जाना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, जहां पे हमने अमाउंट प्री डिटरमाइंडली मेंशन किया है अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में या कैसी भी फॉर्म में हमारे पास डिसाइडेड है कि ये अमाउंट ही पे ऑफ करेगा, मतलब रेमेडी हमें पता है, मतलब उसको टेंशन नहीं होगी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में क्योंकि ऑलरेडी उसमें मेंशन है ये हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा। ठीक है, अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यानी ठीक है, मैं कार से आ रही थी, अभी आगे एक बाइक जा रही है, अब बाइक मैं नहीं बना सकती। ठीक है, अब ये बाइक को मैंने थोप दिया। ठीक है, तो क्या हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट था क्या कि चलते चलते कार से अगर मैंने किसी को ठोक दिया तो मुझे उसको इतने पैसे भरने पड़ेंगे, नहीं ना। तो ये क्या है, अब उसको डैमेज तो हुआ है, उसकी गाड़ी पीछे से टूटी है, वो बोलेगा कि इसके मुझे 50,000 रुपए चाहिए। भाई थोड़ा सा ही टूटा है, पीछे की लाइट टूटी है, 10,000 में बात कर लेते हैं, 5,000 में बात कर लेते हैं, वो मुझसे मांग रहा है 50,000 रुपए, क्या मैं उसको दूंगी, नहीं दूंगी। ठीक है, तो अब ये जो डैमेजेस प्री डिटरमाइंड नहीं है जिसके लिए वो 50 बोल रहा है, मैं 5,000 बोल रही हूँ, वो चीज क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब जब इसका डिसाइडेड नहीं है तो ये टॉट में आ सकता है और अपने डैमेजेस अकॉर्डिंगली डिसाइड करके मुझसे उतने पैसे ले सकता है। ठीक है, तो सैलमन ने बोला है कि सिविल रॉन्ग, ठीक है, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इन कॉमन एक्शन कॉमन लॉ एक्शन इज अनलिक्विडेड। ठीक है, तो अभी जब अनलिक्विडेड डैमेजेस के लिए आपको रेमेडी चाहिए तो आप किस में आओगे, टॉट में, एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मोरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन, ये हमने लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से भी देख लिया। ठीक है, अब विनफील्ड ने क्या बोला है, टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स बाय द लॉ, दिस ड्यूटी इज टूवर्ड पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस। अब क्या बात हो रही है, ड्यूटी की। ठीक है बच्चों, एक चीज बताओ, इसी को ही मैं एक ऐसे एग्जाम्पल से देती हूँ, जैसे टॉट है, ठीक है, आपको स्कूल में बोला जाता था कुछ काम करके आने, ठीक है, जैसे बोलते हैं नेल्स कट करके आने,
तो मतलब क्या है, स्कूल में नेल्स कट करके जाने होते थे, तब हम बड़े नेल्स नहीं रख सकते थे, इवन बॉयज को तो आई गेस हर जगह ही होता है कि नेल्स कट करके रहना, हम स्कूल को देखते हैं ठीक है। स्कूल में बोलते थे नेल्स कट करके आना है, मतलब असेंबली में भी चेक होता था, अगर नेल्स कटने होते थे तो बोलते थे फर्स्ट पीरियड तक यहीं पे खड़े रहो ठीक है। तो आपकी लीगल ड्यूटी क्या है बच्चों, नेल्स कट करके आने, मतलब अगर आपने नेल्स नहीं कट किए तो वो क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। अगर स्कूल में बोला कि शूज कंप्यूटर रूम में पहन के नहीं आने, ठीक है, अभी आपकी ड्यूटी क्या है, कुछ काम नहीं करने को कह रहे हैं, कि कंप्यूटर रूम में बोलते थे शूज बाहर उतार के आओ, तो जब अगर आप कंप्यूटर रूम में शूज पहन के चले गए तो हम उसको क्या बोल देंगे, टॉट, ठीक है। तो आपकी लीगल ड्यूटी दोनों जगह थी, एक जगह बोला है ये काम करके आओ, नेल्स कट करके आओ, एक जगह बोला है ये काम मत करके आओ, शूज नहीं अलाउड है, तो अब भी आप वो चीज करोगे तो हम क्या बोलेंगे, आपने क्या कमिट किया है, टॉट। तो आप अगर अपनी लीगल ड्यूटी को फॉलो नहीं करोगे तो हम उसको प्राइमरली बोलेंगे कि आपकी टॉर्टियस लाइबिलिटी क्रिएट होगी, ठीक है। अब ये तो बहुत स्कूल का एग्जाम्पल हो गया, जनरली भी हम बोलते हैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, चलते फिरते किसी को भेड़ो नहीं, ड्रिंक एंड ड्राइव वाले सीन्स मत करो, अगर आप ये सब करोगे तो आप टॉट में कवर हो सकते हो, ठीक है। ये आपकी लीगल ड्यूटी है कि आप ये सारे काम नहीं करो, ऐसे गलत काम नहीं करना। हमने सबसे पहले ही देख लिया कि हमने टॉट को मतलब ये समझा, रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल कंडक्ट। अब फ्रेजर ने क्या बोला है, इट इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कॉम्पेंसेशन एट अ सूट ऑफ इंजर्ड पार्टी। जो मैंने गाड़ी वाला एग्जाम्पल दिया उसका राइट क्या था, कि वो सीधे सीधे जा रहा था, ठीक है, उसका राइट ये भी था कि अगर उसको किसी ने ठोका तो उसके बदले उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो वो आपको किस एक्ट के अंदर मिलेगा, टॉट के अंदर। एक सिविल रॉन्ग हुआ है, जो मैंने तुम लोगों को इनिशियली, बच्चे थे नहीं तब, मैंने एक वीडियो दिखाया था ये, अब वो रोड पे वो गाड़ी शायद बना रहा है कि क्या, वो उसको बैक फेंक के मार रही है, ठीक है, तो अब इसकी क्या डैमेजेस लिक्विडेड है, क्या पता है क्या ये मारने के कितने पैसे मिलेंगे, नहीं, ये अनलिक्विड डैमेज, उसको जितनी चोट आएगी उसके हिसाब से वो टॉट एक्ट में अपनी लाइबिलिटी के लिए एक्शन लेगा और उतने डैमेजेस रिकवर करेगा, ठीक है। अब ये जो लड़की इसको मार रही है, हो सकता है ये लोग आपस में सिस्टर्स हो, ठीक है, उसने उसकी गाड़ी साफ नहीं करी तो वो उसको मार रही है, तो अभी वो जो उसको मार रही है ये क्या है, एक उसकी लीगल ड्यूटी है जो उसको करनी थी, कि ऐसे आप किसी को नहीं मार सकते, पर उसका राइट जो है वो वहां खड़ी है, तुम उसको ऐसे मार नहीं सकते, वो आपने इन्फ्रिंज किया है, तो आप कहां पे अपनी लाइबिलिटी को कॉम्पनसेट करा सकते हो, लॉ ऑफ टॉट्स में, ठीक है। चलो अब तुम्हारी बुक्स में देखते हैं कैसे मेंशन है। देखो बच्चों यहां पे वही मेंशन है, टॉट एक फ्रेंच है इक्विवेलेंट टू इंग्लिश वर्ड, जिसका मतलब क्या है, रॉन्ग है। फिर बोला है कि वर्ड टॉट डिराइव कहां से हुआ है, एक लैटिन वर्ड से जो टॉटियम है, जिसका मतलब क्या होता है, टू ट्विस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने बताया है कि पब्लिक रॉन्ग, जो वॉयलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, हेंस अमाउंट टू ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, व्हाइल प्राइवेट रॉन्ग्स आर ब्रीचेस ऑफ प्राइवेट लॉ, रॉन्ग्स अगेंस्ट इंडिविजुअल। जो मैंने सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग एक्सप्लेन किया, पब्लिक रॉन्ग्स और क्राइम्स आर दोज रॉन्ग्स व्हिच आर मेड पनिशेबल अंडर द पीनल लॉ व्हिच बिलोंग्स टू पब्लिक लॉ ग्रुप। तो हम क्रिमिनल एक्शंस को कभी भी टॉट में कवर नहीं करते। अब लिमिटेशन एक्ट में बच्चों क्या बोला था उसने, कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। फिर सैलमन पेजर और विनफील ने डेफिनेशन दिए, तो सैलमन ने बोला था कि आपको रेमेडी मिलेगी फॉर दोज विच आर अनलिक्विडेड डैमेजेस, पेजर ने बोला आपको क्या है, आपके राइट को इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है अंडर टॉट, और विनफील ने बोला था कि आप टॉर्टियस लाइबिलिटी अगर आती है अगर आप अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी करते हो, ठीक है। अब इसमें दो एलिमेंट्स हैं, टॉट के दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दैट अ टॉट इज अ स्पीशीज ऑफ सिविल इंजरी ऑफ रॉन्ग एज अपोज टू सिविल रॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले टॉट क्या है, एक स्पीशी है जिसमें आपको क्या मिलती है, एक मतलब सिविल इंजरी के अगेंस्ट आपको कुछ भी। उसके बाद दैट एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ
टॉट, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हर सिविल रॉन्ग को हम टॉट नहीं बोलते, लेकिन सारे टॉट सिविल रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो तुमसे अगर इससे उल्टा क्वेश्चन आए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सारे टॉट सिविल रॉन्ग होते हैं, लेकिन सारे सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होते। उसके अगेंस्ट तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, टॉट कहां से आया, टॉट लिमिटेशन ने भी एक्सप्लेन किया है, सैलमन ने, विनफील्ड ने और फ्रेजर ने, ठीक है। चलो, एलिमेंट्स ऑफ टॉट, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, दिस रॉन्ग इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, टॉट इज रेडिसेबल बाय एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। हमने अभी तीनों डेफिनेशंस में कवर किया। अब डैमेजेस में भी हमने देख लिया कि लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। आएगा, तुम्हारी बुक में है सब। हम अभी तुम लोग स्क्रीन पे देखो, सब कुछ है उस बुक में, मैंने पूरा चैप्टर कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। मैं बता दूंगी कहां पे आना है, ठीक है। बता रही हूं है, ठीक है। चलो, अब हम देखेंगे कुछ काइंड ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी एंड जनरल कंडीशंस। बच्चों, काइंड ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी में सबसे पहले है कि लाइबिलिटी अगेंस्ट सिविल रॉन्ग। हर जगह हम यही सुन रहे हैं कि एक सिविल रॉन्ग के अगेंस्ट आपको कोई ना किसी पर्सन को आप लाइबल ठहराओगे। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वाइकेरियस लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी आने पढ़ा है ना तुम लोगों ने, हाँ। कोई थर्ड पर्सन लाइबल होता है जिसने वो एक्शन नहीं किया है। उसके बाद वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, हम ये चारों चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। अब लाइबिलिटी अगेंस्ट सिविल रॉन्ग, सबसे पहला काइंड आ गया टॉर्टियस लाइबिलिटी का, ठीक है। इन जनरल सिविल रॉन्ग क्या होता है बच्चों, अभी पढ़ा सिविल क्रिमिनल रॉन्ग, इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, ठीक है। सिविल रॉन्ग रिफर्स टू दोज विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ लाइबिलिटीज एंड आर रेमेडियल बाय द लॉ व्हेन समवन लॉसेस मनी ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ अनदर इज नोन एज सिविल रॉन्ग। बुक के हिसाब से लिखा हुआ है कि भाई ऐसा रॉन्ग जिसमें आपको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन, ठीक है। बेसिकली आपने किसी के मनी खा लिए हैं और फिर आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। हमारे टॉट एक्ट में सिविल रॉन्ग को एक्सप्लेन कैसे किया हुआ है, टॉट लॉ में सिविल रॉन्ग को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपकी सारी लाइबिलिटी जिसके अगेंस्ट आपको रेमेडी मिल सकती है, और किसी के मनी अगर, किसी का पैसा अगर आपने लिया है और उसके बाद पे करने पे आप क्या कर रहे हो, उसको निग्लेक्ट कर रहे हो। डैमेज टू प्रॉपर्टी और रेपुटेशन, फेलर टू फुलफिल कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज, फिजिकल और मेंटल हार्म एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ रॉन्गफुल लॉसेस। किसी की प्रॉपर्टी खराब कर दी, ठीक है, किसी को मेंटल या फिजिकल हार्म दे दिया, ये सब क्या हो गए, सिविल रॉन्ग। द विक्टिम ऑफ द सिविल रॉन्ग हैज राइट टू सू द ऑफेंडिंग पार्टी इन ऑर्डर टू रिकवर डैमेजेस फॉर द हार्म सफर्ड। ऑब्वियसली अगर उसको कुछ भी हुआ है गलत तो वो क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। अब रॉन्ग्स को बताया, मॉरल रॉन्ग, लीगल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग्स में बताया टॉर्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस, और एक क्रिमिनल रॉन्ग अलग से बताया जो हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट मार्क करो जनरल कंडीशंस फॉर अ टॉट है, मैं कह रही हूं ना सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। अभी सिर्फ स्क्रीन पे देखो, जनरल कंडीशंस क्या है बच्चों, वेरी गुड। एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, एक लीगल डैमेज टू अनदर होना चाहिए और उसी की रेमेडी होनी चाहिए। बच्चों अब बार बार पढ़ लिया रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, ठीक है। रॉन्गफुल एक्ट यानी गलत करना, जैसे हमने कुछ टॉट्स देखे अभी, वो उसको मार रही थी या वो उसको बैग से मार रही थी या फिर उसको स्टिक से मार रही थी, वो क्या है, रॉन्गफुल एक्ट है, ठीक है। अब उसको क्या लीगल डैमेज हो रहा है, लीगल डैमेज वर्ड याद रखना, सिर्फ डैमेज नहीं, क्या उसको लीगल डैमेज हो रहा है, हाँ, ठीक है। उसको इंजरी क्या बहुत ज्यादा लग गई उसको, नहीं, पर उसके राइट को इन्फ्रिंज किया जा रहा है, तो क्या उसकी रेमेडी है, कैसे, टॉट, ठीक है। तो टॉट में बोला है कि जब अगर किसी, तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, रॉन्गफुल एक्ट भी हो, लीगल डैमेज भी हो और फिर
लीगल रेमेडी भी हो, तो जब किसी लीगल डैमेज के अगेंस्ट लीगल रेमेडी होगी तो ही हम उसको टॉर्ट बोलेंगे, ठीक है। तीनों चीजें कवर होंगी तो ही वो टॉर्ट में कवर होगा, ठीक है। अब इन्होंने इसी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो सबसे पहले याद कर लो, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ डिफेंडेंट, द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन कॉजिंग लीगल डैमेज टू अनदर, द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी ऑफ सच नेचर दैट हैज टू गिव राइज टू लीगल रेमेडी। तुमको ये तीन वर्ड याद हो जाएंगे, रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज और लीगल रेमेडी। लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए तुम्हें याद ऐसे ही करना है कि सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट, रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन कॉजिंग लीगल डैमेज, मतलब मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हें ऐसे ही बोलना है, ठीक है। रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन कॉजिंग लीगल डैमेज और सेम रॉन्गफुल एक्ट हैज टू गिव राइज टू लीगल रेमेडी। अब ये रॉन्गफुल एक्ट क्या है? रॉन्गफुल एक्ट, द एक्ट कंप्लेंट शुड अंडर द सर्कमस्टेंसेस बी लीगली रॉन्गफुली एज रिगार्ड द पार्टी कंप्लेनिंग। तुम्हारे हिसाब से क्या एग्जाम्पल हो सकता है अदर देन जो मैंने स्क्रीन पे शो किए रॉन्गफुल एक्ट के? तो उससे किसी को लीगल डैमेज हो रहा है, डेफेमेशन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मतलब किसी को गलती से कोई जेल भेजाना, किसी के घर ट्रेसपासिंग, ठीक है, और बोलो क्या हो सकता है रॉन्गफुल एक्ट? किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर देना, ट्रेसपासिंग हो गया, किसी के गुड्स डिस्ट्रॉय कर देना, सिर्फ गुड्स, एनिमल छोड़ना, किसी की वाटर सप्लाई बंद कर देना, ठीक है, ये भी एक एक लीगल डैमेज है, रॉन्गफुल एक्ट है। In other words, it should recap. Book se nahi batana hai. It should prejudicially affect that any of the above mentioned interest and protected by law. Every person whose legal rights, right to reputation, right to bodily safety, freedom and right to property are violated without legal excuse has right to action against the person who is violated them. Sabse pehle yaad karo legal right to reputation, matlab kisi ki reputation, kisi ki beizzati karna. Theek hai, ye ek क्या है? रॉन्गफुल एक्ट है। दूसरा, किसी की बॉडीली सेफ्टी को अफेक्ट करना। थर्ड है, किसी की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करना, मतलब अगर मेरा इस प्रॉपर्टी पे राइट है तो फिर अगर उसमें कोई राइट में इंफ्रिंजमेंट करेगा या फिर उस प्रॉपर्टी में कुछ अफेक्ट करेगा तो वो एक रॉन्गफुल एक्ट है। कोई अगर किसी की रेपुटेशन खराब करेगा तो उस पर क्या है? वो रॉन्गफुल एक्ट है। किसी की सेफ्टी और फ्रीडम को आप अफेक्ट करोगे तो फिर वो क्या है? रॉन्गफुल एक्ट। तो ये तीन चीजें हमें याद रखनी है जब हम पढ़ रहे हैं रॉन्गफुल एक्ट। अब उसके अगेंस्ट आपको एक राइट एक्शन मिलता है जिसके अगेंस्ट, ये वॉयलेशन के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो? उससे कॉम्पनसेशन मांग सकते हो या कोई भी रेमेडी आप रिकवर कर सकते हो। वेदर लॉस रिजल्ट्स फ्रॉम सच वॉयलेशन और नॉट, इसका मतलब क्या है? अब जो तुम बोल रहे हो किसी के घर में एंटर हो जाना, उससे क्या उसको कुछ लॉस होगा? वो तो यूं ही आ गया। एग्जाम्पल, मेरे घर पे होम थिएटर है, ठीक है, अब मैं बढ़िया मूवी देख रही हूँ, चिल कर रही हूँ, अब मेरे एक रूम में भी टीवी है, होम थिएटर नहीं है पर नॉर्मल टीवी है, तो अभी क्या हुआ, किसी ने मेरे घर में एंटर किया और वो रूम में बढ़िया लेट के टीवी देख रहा है, मैं क्या कर रही हूँ? होम थिएटर में मूवी देख रही हूँ, वो क्या कर रहा है? मेरे रूम में मूवी देख रहे हैं। तो अभी मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्या मेरा मूड खराब हो रहा है? नहीं खराब हो रहा है, मैं बढ़िया चिल कर रही हूँ। क्या मेरे फन को कोई अफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। पर उसका मेरे घर में एंटर होना गलत है, मेरी प्रॉपर्टी में एंटर होना गलत है, तो इससे मुझे कुछ लॉस नहीं हो रहा है, पर मैं एक्शन लूंगी, भैया तुम इस घर से निकलो, ठीक है, तुम्हें कोई राइट नहीं है मेरे घर में एंटर होने का, तो ये एक रॉन्गफुल एक्ट है, ठीक है।
तो हम बोल रहे हैं आपको लॉस हो ना हो, लेकिन अगर किसी ने भी ऐसा कोई एक्ट किया है जो रॉन्गफुल है तो उसके अगेंस्ट आपको रेमेडी मिलेगी, और वो वॉयलेशन ऑफ द राइट्स हैं। कौन कौन से राइट्स? राइट टू रेपुटेशन, राइट ऑफ बॉडीली सेफली फ्रीडम, और राइट टू प्रॉपर्टी। अगर इन सब चीजों में कुछ भी अफेक्ट होगा, वॉयलेशन होगा, तो आप क्या कमिट कर रहे हो? रॉन्गफुल एक्ट। इसमें एग्जाम्पल है, देखो तुम्हारी बुक में ये केस है, तो स्क्रीन में पढ़ना प्रशंसा। ग्लासगो कॉरपोरेशन, यहां से पढ़ो ना कॉरपोरेशन जोर से, जोर से। अभी इसमें क्या बोल रहा है, क्या हुआ? वो बच्चे ने खा लिया, ठीक है, तो क्या उसके इंटेंशन से ऐसे करने के नहीं, पर बच्चा अपने हिसाब से गया किसी के भी गार्डन और पॉइजनस ट्रीज के फ्रूट्स या जो भी उसने वहां पे वो गलत चीज खा ली। अब उससे क्या हुआ, बच्चा मर गया, उसने वो रॉन्ग फ्रूट्स खा लिए, कोर्ट ने उस पर्सन को उसकी ओमिशन के कारण उसको उसको कॉम्पनसेशन के लिए लाइबल ठहराया। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे बोर्ड लगाना चाहिए था कि यहाँ पे पॉइजनस फ्रूट्स हैं, ऐसा कुछ भी उसने अपनी लीगल ड्यूटी फॉलो नहीं करी, इससे किसी और को लीगल डैमेज हो गया, ठीक है। क्या ये क्रिमिनल नेचर का है? क्या उसने उसको जानबूझ के वहां पॉइजनस चीज लगाया कि आओ बच्चों, बुलाया उसने और खिलाया? नहीं, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन एक ये सिविल रॉन्ग है क्योंकि उसने अपनी लीगल ड्यूटी फुलफिल नहीं करी, ठीक है। ऐसी एक और एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉयर फेल टू प्रोवाइड सेफ्टी बेल्ट फॉर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क रिजल्टिंग इन एन एम्प्लॉय सफरिंग इंजरीज, द एम्प्लॉयर शैल बी लाइबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच ओमिशन। अब आप कहीं पे आ रहे हो तो आपको स्ट्रिक्टली बोला गया है कि यार ये चीज ध्यान में रखनी है, आपको यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट लगा के ही बैठना है, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है, तो वो उस पर्सन ने अपने एम्प्लॉयज के लिए फॉलो नहीं करी, तो उसको भी लाइबल हमने ठहराया कि तुमने एक सिविल रॉन्ग किया, एक रॉन्गफुल एक्ट किया है जिससे सामने वाले को इंजरी हुई है, ठीक है। अब आते हैं हम लीगल डैमेज। तो बच्चों अभी तक हम अनलिक्विडेड डैमेज, डैमेज वर्ड ये सब सुन रहे थे, हमेशा वर्ड यूज करना है व्हेन वी आर कंसिडरिंग जनरल कंडीशंस ऑफ टॉर्ट, तो रॉन्गफुल एक्ट और फिर कॉजिंग रिजल्ट ऑफ लीगल डैमेज, दैट रॉन्गफुल एक्ट कॉजिंग रिजल्ट ऑफ लीगल डैमेज, तो हमें याद रखना है किसी को लीगल डैमेज हो रहा है। अभी इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, एक पर्सन ने यहाँ पे शॉप खोली है, ठीक है, काई की शॉप है, तो तुम डिसाइड कर सकते हो यार, ऑप्शन है तुम्हारे पास, बेकरी, बेकरी और आइसक्रीम दोनों मिलते हैं, ठीक है। अब सब लोग यहीं जाएंगे, इस एरिया में एक ही शॉप है, किसी को भी बेकरी आइटम्स चाहिए, किसी को भी ब्रेड चाहिए, किसी को भी आइसक्रीम चाहिए, सब इस शॉप पे जाएंगे, इस पर्सन लेंगे, उसकी खुशी देख रहे हो कि वो इस एरिया में बढ़िया दुकान चला रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉस बेबी आ गए, उनने तो ड्रिंक्स भी रख दी है बढ़िया, ठीक है, तो अब यहाँ पे ड्रिंक्स भी मिल रही है, आइसक्रीम्स भी मिल रही है और बेकरी आइटम्स भी मिल रहे हैं, तो क्या ये पर्सन अफेक्ट हो रहा है? उसका कंपटीशन आ गया, ठीक है, इसको लॉस हो रहा है, तो बच्चों उसके तो लॉस हो रहा है, पर लॉस तो है, तो ये टॉट में नहीं जा सकता क्या? क्यों? उसको इंजरी नहीं हो रही, उसके राइट्स में कुछ भी वॉयलेशन नहीं हो रहा है, क्या हम उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं? क्या हम लोगों को बोल रहे हैं वो बेकार आइसक्रीम देता है यहाँ पे आके लो, हमने सिर्फ आइसक्रीम का अपना एक प्रॉपरली स्टोर खोल लिया है, क्या हम ये बोल रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी पीछे से तोड़ने जा रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। क्या हम उसकी सेफ्टी या फ्रीडम को अफेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो हम रॉन्गफुल एक्ट तो नहीं कर रहे, पर हाँ इसको लॉस जरूर हो रहा है, ठीक है, इसके दिल में इंजरी जरूर हो रही है, उसकी नींदें जरूर अफेक्ट हो रही हैं, तो अब हमें उससे मतलब
नहीं है। जब भी किसी पर्सन को कोई लीगल डैमेज हो, लीगल डैमेज यानी जो लॉ की नजर में डैमेज, क्या इससे सोसाइटी में अफेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। उस इंडिविजुअल को सिर्फ इतना अफेक्ट हो रहा है कि हो सकता है वो पहले 50,000 पर मंथ कमाता था, अब वो उतना नहीं कमा रहा होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्योंकि कस्टमर्स यहाँ भी जा रहे हैं और वहां भी जा रहे हैं। हो सकता है उसकी ग्रोथ लिमिट हो जाएगी क्योंकि अब उसको और दिमाग लगाना पड़ेगा इस बिजनेस में और ये पर्सन आगे जीत जाए। हो सकता है इसको भी बाद में अफेक्ट हो, पर इसने तो बाद में ही खोली है, ठीक है। तो अगर आप कॉम्पिटिशन बेसिस के लिए अगर कोई बिजनेस खोलते हो तो हम उसको लीगल डैमेज नहीं बोलते। तो लीगल डैमेज किसको कहते हैं? इट इज नॉट एवरी डैमेज दैट इज अ डैमेज इन द आईज ऑफ लॉ। तो ये जो डैमेज हो रहा है ये लीगल डैमेज नहीं है। इट मस्ट बी अ डैमेज विच द लॉ रिकग्नाइजेज एज सच। तो जो लॉ रिकग्नाइज करेगा कि ये डैमेज है उसी को हम कंसिडर करेंगे। इन अदर वर्ड्स, there should be legal injury or invasion of legal right in absence of an infringement of a legal right and action does not lie। मतलब कि अगर ये जो हो रहा था ये infringement उसका कोई legal right का नहीं हो रहा था, अगर वो उसका trademark use कर लेता, ठीक है, तो हम उसको बोलते कि ये legal damage है। उसके बाद also where there is an infringement of a legal right and action lies even though when there is no damage has been caused। जो मैंने movie वाला example दिया, मैं मूवी देख रही थी, क्या मुझे कोई लीगल डैमेज हो रहा था? नहीं हो रहा था, फिर भी मेरे को उसके अगेंस्ट इंजरी नहीं हुई है, फिर भी मेरे को उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी मैं उसकी ठहरा सकती हूँ, मैं उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ। वो जो कर रहा था कि मेरे घर पे बिना मेरी परमिशन के मेरी प्रॉपर्टी का राइट उसने इन्फ्रिंज किया है, तो उसके अगेंस्ट मैं उसके एक्शन ले सकती हूँ, वो एक लीगल डैमेज है। भले उसमें मुझे कुछ भी इंजरी नहीं हुई है पर उसके अगेंस्ट मैं एक्शन ले सकती हूँ। एज वॉज स्टेटेड इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एशबी वर्सेस वाइट, इसका केस का तुम लोगों को पता है। पुलिस ऑफिसर रहता है और तुम लोगों ने तो पढ़ा होगा ना अभी सीएसईटी में, ये पीछे तो सबको याद है, टॉट है ना तुम लोगों को। तो क्या है ये वाला केस, नहीं याद है? 30th को एग्जाम है ना, तो याद कर लो बेटे। देखो मैं बता रहे हैं, चलो अभी हम केस एक्सप्लेन करते हैं। उसमें क्या लिखा है, लीगल डैमेज इज नीदर आइडेंटिकल विद एक्चुअल डैमेज नॉर इट इज नेसेसरी पिक्यूनरी। मतलब उस जो ये केस है उसमें बता रही हूँ क्या हुआ था। ये एक पर्सन है एशबी और वाइट, दिख रहा है क्लियरली, एक ने टोपी पहनी, यानी ये कौन है, पुलिस ऑफिसर। ये कौन है, एशबी, नॉर्मल पर्सन, ठीक है। तो मिस्टर वाइट थे, तो प्लेंटिफ कौन थे एशबी, डिफेंडेंट कौन थे, मिस्टर वाइट। मिस्टर वाइट वाज रिटर्निंग ऑफिसर एट द पोलिंग बूथ इन इंग्लैंड, ही रिफ्यूज टू रजिस्टर अ ड्यूली टेंडर्ड वोट ऑफ मिस्टर एशबी। मतलब इस पर्सन ने जो वोट किया था वो बोलता है मैं तुम्हारा वोट रजिस्टर नहीं करूंगा। क्या उसको उससे चोट लग गई, क्या उसको उससे कुछ डैमेज हो गया, क्या उसके पैसे वेस्ट हो गए, लीगल डैमेज हुआ है। वो किस किस बेस पे बोल रहे हो तुम लोग, इसके राइट टू वोट को इन्फ्रिंज किया गया है, ठीक है। तो इधर पे वो पर्सन उसको लायबल ठहरा सकता है और उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। ही आर्ग्यूड दैट द कैंडिडेट हुम द मिस्टर एशबी वांटेड टू वोट हैज वॉन इलेक्शन इवन विदाउट हिज वोट। तो वो बार बार बता रहे ये तो जीत गया है ना, तेरे को क्या मतलब क्यों वोट वेस्ट करना है। जजमेंट मिस्टर वाइट शैल कॉम्पनसेट मिस्टर एशबी, क्योंकि उसका राइट है वोट करना। हालांकि जिसको वोट करता है वो जीत भी गया, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, उसको कोई इंजरी नहीं हुई, पर हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये एक लीगल डैमेज है। उसके पास राइट था वोट करने का, वो आपने उसको करने नहीं दिया। नो मैटर वो जीते हारे हमें मतलब नहीं है। तो ये केस हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, जो केस मैं बोलूं वो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पूछूं तो बनना चाहिए एशबी वर्सेस वाइट। अब इसमें दो मैक्सिम्स हैं हमारे लीगल डैमेज के अंदर, दो मैक्सिम्स हैं, एक है डेमनम सिन इंजुरिया और एक इंजुरिया सिन डेमनम। तो बच्चों डेमनम मतलब डैमेज, सिन मतलब विदाउट और इंजूरिया मतलब इंजरी। तो डैमेज विदाउट इंजरी,
अब इंजूरिया मतलब इंजरी, सिन मतलब विदाउट और डैमनेट यानी इंजरी विदाउट डैमेज। तो अब इनके मतलब बताओ। तो वो कौन से में कवर होगा? डैमेज विदाउट इंजरी। हम कंसिडर क्या करते हैं, सामने वाले को इंजरी हो और इंजरी विदाउट डैमेज, ये टॉर्ट है, ये जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा। चलो हम उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। एक ये डैमनम्स इन इंजरी, इसका मतलब क्या है? डैमेज विदाउट इंजरी, मतलब सामने वाले को डैमेज तो हुआ है कुछ, लेकिन इंजरी कुछ भी नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर इंजरी नहीं हुई है तो आपको टॉर्ट में कवर करेंगे क्या? नहीं कवर करेंगे। ठीक है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी बुक में भी दिया है, याद रखो, ग्लॉस्टर्स ग्रामर स्कूल केस। उसमें कैसे नाम दिया है? उसके जस्ट नीचे दिया है, यही दिया है। ठीक है, हाँ, इसमें क्या होता है, एक ग्रामर टीचर होते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, बाजू में अपना एक इंग्लिश ग्रामर का स्कूल खोलिया, तो बहुत सारे बच्चे उनके स्कूल में जाते हैं, नो मैटर तुम्हारे बीच क्या हुआ हो, पर वो सर बहुत अच्छे थे, हमें उसी सर से पढ़ना है। तो इससे जो स्कूल था उसको डैमेज हो रहा था, पर क्या इंजरी हो रही थी? बस उसको लॉस हो रहा होगा ना बच्चों को, और तो कुछ नहीं हो रहा था। क्या उसका लीगल डैमेज हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो इसको हम बोलते हैं डैमेज विदाउट इंजरी। देखो इसमें क्या हुआ था, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल प्लेंटिफ थे और डिफेंडेंट थे एक्स टीचर ऑफ दिस स्कूल। अब डिफेंडेंट ने क्या किया, वॉज अ गुड इंग्लिश ग्रामर टीचर एंड फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ द स्कूल, मतलब उसी स्कूल में पढ़ाते थे। ही सेटल्ड अप अ राइवल ग्रामर स्कूल इन फ्रंट ऑफ द ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल, उसने स्कूल के बाजू में ही एक और स्कूल ओपन कर लिया। उसके बाद मेनी स्टूडेंट्स स्विच टू स्कूल विच कॉज फाइनेंशियल लॉसेस टू द ग्लॉस्टर स्कूल ग्रामर स्कूल, हेंस इट फाइल्ड अ सूट जजमेंट, मोर फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू कॉम्पिटिशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीगल डैमेज, सेटिंग अप अ ग्रामर स्कूल इज नॉट एन इलीगल एक्टिविटी, दिस इज नॉट अ टॉर्टियस एक्शन। ठीक है, जैसे वो हमने शॉप वाला एग्जाम्पल देखा था, तो हमें केस के हिसाब से ये वाला एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा इंजुरी विदाउट डैमेज, इसमें कौन सा केस है, एशबी वर्सेस वाइट, और डैमेज विदाउट इंजरी में ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410। चलो, डैमनम मीन्स हार्म, लॉस और डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट या फिर हेल्थ। अब इंजरी मीन्स इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट कंफर्ड बाय लॉ ऑन द प्लेंटिफ। द मैक्सिम मीन्स दैट इन गिवन केस अ मैन मे हैव सफर्ड डैमेज येट हैव नो एक्शन इन इट बिकॉज द डैमेज इज नॉट टू एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लॉ ऑफ टॉर्ट। ये वाला डैमेज हमने कहीं पे भी टॉर्ट्स में प्रोटेक्ट नहीं किया, इसमें कुछ भी लीगल डैमेज क्योंकि नहीं हो रहा है। और बेसिकली डैमेज मतलब क्या, मनी कंफर्ट हेल्थ में आप अगर कोई भी हार्म वगैरह लेके आ रहे हो तो, और इंजरी मतलब किसी का भी राइट आप इन्फ्रिंज करते हो। Therefore, causing damage, however substantial to another, is not actionable in law unless there is any violation of legal right of the plaintiff. Common examples are where damages result from an act done in exercises of legal right. तो जब आप किसी का legal right affect करोगे तब हम आपको उसमें cover करेंगे। ये वापस वही वाला case आ गया। ठीक है, ये important है। ऐसे injury without damage, where there is no damage resulted, yet it is an injury or wrong in टॉट, मतलब आपको क्या हुआ है, कोई भी डैमेज नहीं हुआ है फिर भी हम बोलेंगे कि आपकी इंजरी हुई है। वेयर देयर इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट नॉट रिजल्टिंग इन हार्म बट प्लेंटिफ कैन स्टिल स्यू द इन टॉट। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ है, आपके इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ है पर आपको कोई डैमेज नहीं हुआ है तो आप सूट फाइल कर सकते हो। सम राइट्स और इंटरेस्ट आर इंपॉर्टेंट दैट देयर इज अ वॉयलेशन इन एक्शनेबल टॉट विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज। अब where there is an invasion of absolute private right of an individual, there is an injury and the plaintiff action will succeed even there is no damages. ठीक है, तो आपने उसका legal right affect किया है, भले आपको कुछ damage नहीं हुआ है फिर भी आपने क्या किया, उसके against suit file कर दिया। इसका example कौन सा है,
एशबे वर्सेस वाइट 1703। ठीक है, अब हमने जब देखा लीगल रेमेडी मतलब रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, ठीक है, दूसरा वही रॉन्गफुल एक्ट कॉजिंग लीगल डैमेजेस होना चाहिए, और अब वही रॉन्गफुल एक्ट कैन गिव राइज टू लीगल रेमेडी। तो बच्चों लीगल रेमेडी क्या होता है, द थर्ड कंडीशन ऑफ द टॉर्ट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर अ टॉर्ट इज लीगल रेमेडी, दिस मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट कम अंडर द लॉ। मतलब हमने जैसे ये केसेस बताए हुए हैं, इन केसेस में कहीं ना कहीं पास जजमेंट्स में आपका एक्ट कवर होना चाहिए। द मेन रेमेडी फॉर द टॉर्ट इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस, ऑल्दो सम अदर रेमेडीज एग्जाम्पल इंजंक्शन मे बी ऑब्टेन इन एडिशन टू डैमेजेस और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन मे बी क्लेम फॉर एन एक्शन फॉर द डिटेंशन ऑफ अ चैटल। मतलब कि वही किसी ना किसी के प्रॉपर्टीज में बिना उसके एंटर कर जाना, ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो उसका राइट अफेक्ट होगा, और इसकी लीगल रेमेडी हमने आपको टॉट में ऑलरेडी बताई हुई है पास जजमेंट्स के हिसाब से, कोई सेक्शन इसमें नहीं होते। सेल्फ हेल्प इज अ रेमेडी फॉर विच द इंजर्ड पार्टी कैन क्लेम हिमसेल्फ विदाउट गोइंग टू लॉ कोर्ट, इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल टॉर्ट्स, परहैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टू विच डज अप्लाई ट्रेसपास ऑफ लैंड, ये हमने देख लिया। वैसे लिखा है ए फाइंड्स अ ड्रंकन स्ट्रेंजर इन हिज रूम, अभी क्या हो गया उसके रूम में एक ऑलरेडी पियक्कड़ आदमी बैठा हुआ था, हु हैज नो बिजनेस टू बी देयर, है ना, वो पिया हुआ था उसको पता ही नहीं वो किसी के भी घर में जाके बैठ गया, डज इट इज अ trespass, he मतलब A is entitled to get rid of him if possible without force, but if that is not possible with such force as circumstances of the case may warrant, मतलब उसको धक्के मार के भी घर से निकाल सकता है क्योंकि उसने उसके बिना पूछे उसकी property में वो भी दारू पी के बैठ के ऐश कर रहा है। अब हमने बच्चों पहले क्या पढ़ा, tort, तो बच्चों tort कहाँ से आया है, एक टॉट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है रॉन्ग, और बेसिकली टॉट वर्ड डिराइव्ड कहां से हुआ है, लैटिन वर्ड कौन सा वर्ड, टॉटियम, टॉटियस नहीं टॉटम, और फिर उसका मतलब क्या है टू ट्विस्ट। अब जब हम देख रहे हैं तो टॉट कहां कहां डिफाइंड है, लिमिटेशन एक्ट में सैलमन ने और फ्रेजर ने, तो लिमिटेशन एक्ट ने क्या बताया है, रुको मैं पूछ रही हूं, रुको मैं पूछ रही हूँ, जब हम देख रहे थे टॉट एक लिमिटेशन एक्ट में बताया है, तो क्या बताया है सुयांश, लिमिटेशन एक्ट में टॉट को क्या बताया है, बुक में नहीं मिलेगा, बुक में नहीं लिखा है, जब पूछो बोलते हो नहीं पता नहीं पता, तुमने तो पढ़ा हुआ है ये, सैलमन ने क्या बोला है, राशि लिमिटेशन एक्ट में टॉट को क्या बोला है, ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, ये एक सिविल रॉन्ग है विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सैलमन ने क्या एक्सप्लेन किया है, क्या नाम है, हाँ बताओ, लीगल रेमेडी जिसके लिए अनलिक्विडेड डैमेजेस विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ, फिर फ्रेजर ने क्या बताया है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट ऑफ रेम ऑफ अ प्राइवेट, नुपुर विनफील्ड ने क्या बताया है, जिसमें ड्यूटी ब्रीच होती है, ठीक है, जो ऑलरेडी लॉ में फिक्स की हुई है उसको आपने क्या किया है, ब्रीच किया है। उसके बाद फिर इसके दो एलिमेंट्स हैं, स्नेहा क्या दो एलिमेंट्स हैं, हाँ, और सिविल रॉन्ग एक राइट, सिविल रॉन्ग एक टॉट एक स्पीशी है जो सिविल इंजरी बताता है, ठीक है, और सारे सिविल रॉन्ग्स को हम टॉट नहीं बोलते, ये दो उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमने देखा है कि कुछ काइंड्स हैं,
टॉर्टियस लाइबिलिटी की. अभी हमने देखा लाइबिलिटी अगेंस्ट सिविल रॉन्ग, फिर स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी देखेंगे, फिर वाइकेरियस देखेंगे, फिर वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट देखेंगे. जब हम देख रहे थे कि लाइबिलिटी अगेंस्ट सिविल रॉन्ग, तो सिविल रॉन्ग उन्होंने बताया हुआ है कि भाई रॉन्गफुल एक्ट है कोई भी, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, टॉर्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ इक्विलेबल ऑब्लिगेशन. जब हम देख रहे हैं कि कुछ जनरल कंडीशंस है, कुछ जनरल कंडीशंस ऑफ अ लाइबिलिटी ऑफ अ टॉर्ट, ठीक है. प्रशंसा क्या होते हैं? रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, हाँ, लीगल रेमेडी होनी चाहिए, ठीक है. इसके हमने कुछ केस लॉज देखे, कौन से केस लॉज देखे जब हम पढ़ते लीगल डैमेज? एशबी वर्सेस वाइट, और दूसरा वाला ग्लॉस्टर स्कूल ग्रामर स्कूल केस, ठीक है. अब हम जब देख रहे हैं कि डैमेजेस, तो फिर हमने दो चीजें देखी, एक डैमनेंस इन इंजूरिया और एक, मतलब एक डैमेज विदाउट इंजरी और एक इंजरी विदाउट डैमेज. तो डैमेज विदाउट इंजरी टॉट नहीं होते, जिसमें क्या हुआ था, एक स्कूल, एक स्कूल में एक टीचर पढ़ाते थे जिन्होंने एक और स्कूल ओपन कर लिया, ग्रामर स्कूल, ठीक है. तो उससे सिर्फ उसको फाइनेंशियल लॉस हो रहे थे, उसके लिए हम आपको कुछ भी कॉम्पनसेशन नहीं देंगे. जब हम देख रहे थे डैमेज विदाउट इंजरी विदाउट डैमेज, उसमें क्या हो रहा था, एसबी वर्सेस वाइट, उसमें क्या हो रहा था, उसका वोटिंग राइट आपने रोकने के लिए उसको बोल दिया था कि आप वोट नहीं कर सकते, एक पुलिस ऑफिसर ने उसको वोट करने से मना कर दिया, तो उसका राइट अफेक्ट हो रहा था. अब हम कल से देखेंगे मेंस रिया और स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है.